मेरा बदन में जो खून है उस बदन में वही खून है। हम यदि गलत नहीं है किसी के बाप से नहीं डरेंगे। कौन जीने के लिए आया है, कौन यहां बचने के लिए आया है? धर्म नर्क किया देखते हैं कौन यहां बचने के लिए आया है। हम किसी को गलत नहीं किए तो हम किसी का गलती नहीं सहेंगे। हम किसी के ऊपर अन्याय नहीं किए हैं, हम किसी का अन्याय नहीं सहेंगे। हम किसी के ऊपर जुल्म नहीं किए हैं, हम किसी का जुल्म नहीं सहेंगे। हमने तो सीधा सीधी बात है, हिंदे हमने कहे लड़ना, ऊपर में देव जो है सर ओकरे लड़ना चाहिए, ऐसे तो छिपाए रहा है, ऐसे तो मारिए रहा लो। अरे कंपनी कब नहीं मार ले, हमेशा गोली चलाए दे लो। इतना जो चौक चौराहा में मूर्तियां है नेतवन मन के चाहे क्रांतिकारी सबके, क्यों ना क्यों मार ले है ना, क्या मार ले है तो भाई वह कंपनी वाला फैक्ट्री वाला सीएमडी जीएम के हाथ हो तो बड़ा बड़ा पुलिस प्रशासन के हाथ हो तो हाउ कि नहीं हो, हाउ ना। अरे तोरे जिला बगल में विश्वनगर हो ना, तोरे जिला में वहां एक एक गांव में सात को आदमी मर ले रहो, झारखंड अलग करे में बलक मक्का गांव बताओ तो। इतना संघर्ष के राज ले लिए, बांटिए खतर की सारा नौकरी बांट दिलिए, जमीनवा बांट दिलिए, चल हमार जमीन के नीचे कोयला के खदान और मोटाई गले टाटा टिस्को और उषा मार्टिन एनटीपीसीआर बीटीपीएस और सीटीपीएस और पीटीपीएस, चल हमारे जमीन में खदान है, हमारा जमीन में खनिज है। यदि सरकार चाहती है कि सबका विकास हो, आप ग्राम सभा के माध्यम से कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से कोयला खोदने बोलिए, लेना है रिपोर्ट सामने लीजिए, कोयला का वजन बोलिए वीडियो को करें। वैसे भी रात को कोयला चोरी कराने में सबका योगदान है, ये है गांव वाला को कोयला खोदने दीजिए जिसका जमीन में है, और बोलिए पीडीओ को जाके कि जाओ तुम हम कोयला को वजन करो, वजन से रॉयल्टी लेके आओ। डीसी को बोलिए कोयला को रॉयल्टी लेके आओ, जमीन हमारा है, खनिज की मालकियत हमें दीजिए। और नहीं तो याद रखिएगा, आज नहीं तो कल एक दिन ऐसा आएगा कि अंग्रेजों की तरह इस देश में जितना नेता मंत्री है जितना उद्योगपति है वो लात मार के भगाएगा जनता। आपसे मजाक लगता है क्या? इन लोग अभी से विदेश में घर मकान बनाना शुरू कर दिया है। इन लोग भी जानता है कि सरकार, अरे हम और आप सरकार बनाते हैं, वो सरकार को जेब में रखता है। क्या गलत बोल रहे हैं बताइए? आप बोलते हैं भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, दो आदमी अमीर होने से भारत विश्वगुरु बनेगा? दो आदमी अमीर होने से भारत विश्वगुरु बनेगा क्या? जी नहीं। प्रत्येक जनता के पास, प्रत्येक परिवार के पास एक अच्छा इनकम का स्रोत होना चाहिए, उनके बच्चों के पास एक अच्छी शिक्षा का साधन होना चाहिए, उनके पास स्वास्थ्य का साधन होना चाहिए, तब जाके भारत विश्वगुरु बनेगा। सर जमीन हमारा, खनिज हमारा, और आप एगो गुजराती को बेचने पे तुले हैं, कभी एनटीपीसी तो कभी मगध तो कभी आम्रपाली, गांव को दीजिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को दीजिए, और बोलिए वीडियो सीओ और थाना प्रभारी वहां ड्यूटी करे। वैसे भी रात में लोग करवे करता है ड्यूटी रोड में, तो भाई आपका हजारीबाग वाला नहीं करता है तो आपको हम धनबाद में खूबे देखे, धनबाद में हम खूबे देखे हैं। हम लोग जाते हैं रात को मार टोक मार रहा है, हम लोग गाड़ी खोल के बोलते हैं वीडियो बना है, देखे भाई देखा तो मारेंगे नहीं, मतलब नहीं नहीं हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रात को पेट्रोलिंग में निकले हैं। तो ठीक उसी प्रकार यदि सरकार चाहती है कि वास्तव में भारत का भला हो, राज्य का भला हो, तो आवंटन समूह को कीजिए, समूह को कीजिए। आप वहां एगो आयोग का गठन कीजिए, एगो टीम का गठन कीजिए जो सरकारी होगा, उसका देख रेख में कोयला निकासी होगा, वजन कीजिए, रॉयल्टी ले लीजिए। यदि आप एगो कंपनी को दे देंगे सारा टेंडर तो भैया क्या मिलेगा हमको? 8,000-10,000 का नौकरी मिलेगा, 40 साल तक मिलेगा, उसके बाद मेरा खेत धुआं धुआं हो जाएगा। इसलिए आज वास्तव में यदि हम इन चाह इस राज्य में बदलाव आवे तो सबसे पहले हर एक नौजवान के भाई मन के बहन मन के पढ़ लिख के अच्छा शिक्षा हासिल करके अपन आपके योग्य बनवे हैं, तो अपन आपके हर स्तर से मानसिक बौद्धिक शारीरिक हर स्तर से तरह मजबूत बनवे हैं, तो शुरुआत करल जाए, शुरुआत करल जाए, शुरुआत करल जाए ना। तो सबसे पहले दादा मन से रिक्वेस्ट है दरुआ पिया बन गए ना, हालांकि हिमे कम पिया तुम बढ़िया बात है।
तुम्हें पियो ना दादी तेरे हेनो पियो। अरे हम तो सोच लिया धनबादे वाला ज्यादा पियो, तो हनियो पिया। आप सोच के देखा, आज अगर हमनी पे प्रशासन नेता मंत्री हावी हो, कहे पता हो, पहला कारण हमनी के पिए वाला। आज एक बात बताओ, सड़क में इतना आंदोलन है, 60-40 नहीं चल तो रोड जाम, दुकान बंद, फिर भी सरकार कहे मनमानी कर हो, पता हो, एक पता है। जैसे 2024 आते, अरे बोले दीना, चिल्लाए ले दीना, चेचाए दीना, अरे भाई गवा में दरुआ पिए भाई, भोटा ले लो भाई, फिर तो सरकार बनाए लो। आखिर सरकार की सोचो, ठीक हो अब बदलाव तो नहीं करवा, मूड बनाए लगा बात अलग है, लेकिन सरकार हटे ने सोचो हो, कोई रहे, बीजेपी वाला रहे, चाहे जेएमएम वाला रहे, कांग्रेस वाला रहे, एसयू वाला रहे, कोई रहे, वो हटे ने सोचो हो कि पैसा है ये हो, एक नी के बोले दी ही ना रे, कहा जीता है, खाए पिए मोबाइल रिचार्ज तो करना ही है, लास्ट तो मोबाइल रिचार्ज करना ही है, पैसा तो मांगवे करता है, सही बताओ है, एक बिका हुआ जनता, बिकी हुई जनता मक्कार नेता को पैदा करती है, जो आगे चल के लोकतंत्र के पतन का कारण बनती है। बताइए आज इतना दिन से आंदोलन, इसलिए आज स्पष्ट जानिए, सांसद रहे या विधायक रहे, वो झारखंडी रहे, एनडीए यूपी वाला हम बाद में देख लेंगे। तेलंगाना क्या करता है, वो अपना तमिलनाडु का संसद भेजता है, उसके बाद दिल्ली में जाके उसको जिसको मूड होगा समर्थन देगा, राज के प्रति कट्टर है। हम लोग यहीं से भेजते हैं, बीजेपी वाला, जेएमएम वाला, एसयू वाला, कांग्रेस वाला, यहां से सिर्फ विधायक सांसद भेजिए, वो वहां जाके देख लेगा किसको समर्थन देना है। बंगाल को भी भेजा है एनडीए सरकार को, तो एक रहा यूपीए चाहे एनडीए, वो कभी यहां से मुहर मार के नहीं भेजा है कि हमारा यूपीए का है कि एनडीए का है, वो अपना संसद भेजा है, अपना लोकल पार्टी का भेजा है, जो दलाली नहीं करेगा, बंगाल की बात करेगा, ओडिशा की बात करेगा, है कि नहीं। तो सह खातिर आज सबसे हमारे हटे निवेदन रहता है, उम्मीद है जे पतवन कहले हमें ही आए रही है तो नहीं बुझला, मुझे पार लाना बराबर बुझला ना, हर स्तर से आज हमनी के लड़ाई के लड़ना हो तो हिंद माय मौसी का की जटी बहन मन तो नहीं बुझला कि ना, इन्होंने बुझले लड़ाई हमनी के अपन पहचान अपना अस्तित्व के बचवे के लड़ाई लड़ो, आज यदि नहीं लड़वा तो आने वाला समय कुछ ना वास्तो, ऐसे में कभी सड़क चौड़ीकरण, कभी कोल ब्लॉक, कभी कंपनी, कभी फैक्ट्री, सब खत्म कर दे। और हम बार बार बोले हैं कि मैया और मटिया में यदि एक के चुनना हो, मैया और मटिया में यदि एक के चुनना हो तो ककरा चुनना चाहिए, मटिया के, ताकि मैया तो मर जितो तो तय हो, हमार मैया चाहे तोर मैया, अकर मैया चाहे ओकर मैया, मरता हूं कि न। अरे भाई भले हमें कड़वा बोले हो, ये बतवा सुने में तनी रागो लागो हो, लेकिन सच्चाई हो कि नहीं, मैया तो मर जी तो, अरे 60 बच्चर में मरे, 70 में मरे, 80 में, 90 में, या पूरे 100 में, मैया तो मर जी तो, लेकिन ये मठिया हो ये तब तक रहतो जब तक दामोदर के नदिया में पानी रहतो, बल्कि हमार मानना हो दामोदर के नदिया सूखे पानी प्रदूषण से, ये मठिया ओकरो से ज्यादा रहतो। सेहर ने कहा यो मैया और मटिया में मटिया के चुनना हो तो मटिया की यदि चुनना हो तो सबसे पहले ये बात के फरन ले ले, लोभ में लालच में एक बित्ता जमीन ना बेचना हो, एक बित्ता जमीन ना बेचना हो। अरे जमीन हमने कौन सा बीडीओ सीओ बनने में बेचले हा, कौन सा हमने बड़ा उद्योगपति बनने खातिर बेचले हा, दरुआ पिए पाची गड़िया की नहीं बेचले हा तुम। अरे अपन लोभ और लालच के त्याग करे ना, मटिया के सलामत रखा, हम तो हटे काम हो, जरूरत पड़े तो किडनिया बेच दिया, अब जमीनवा ना बेचे।